फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभिषेक में। इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो अक्टूबर के फर्स्ट एंड सेकंड वीक हैं। कुछ इसके प्रीवियस मंथ के भी कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके अपकमिंग एग्जाम जूनियर असिस्टेंट की, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट है आपकी 3 नवंबर की, पीसीएस 2019 15 दिसंबर। और इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ अभी फिक्स डेट नहीं है, लेकिन इसको भी जल्दी हो जाएगा आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में फ्रेंड्स मैं डिस्कस करूंगा ट्यूबवेल ऑपरेटर एग्जाम रिजल्ट अपडेट्स को लेके, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है तो इसमें सारी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ साथ उसके साथ में इंक्लूडिंग फैक्ट्स में बहुत ज्यादा डिस्कस करूंगा, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आप सभी से ये है कि जो हमारे दोस्त फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे व्यूज़ कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ उसके साथ में जो लगा हुआ बेल आइकन उसको प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जितनी भी हमारी वीडियो जैसे ही अपडेट्स होंगे, जैसे ही अपलोड होंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और फ्रेंड्स की, जितने भी लोग अभी भी देख रहे हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर नहीं ज्वाइन हुए हैं तो जरूर से जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस पर वहाँ पर न्यूज़पेपर, करंट अफेयर, सब कुछ मटेरियल्स आपको फ्री में अवेलेबल कराया जाता है। और साथ ही साथ इस वीडियो के किंग फ्रेंड जो इंफॉर्मेटिव वीडियो होता है मेरा, थोड़ा सा कम व्यूज आते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर बहुत कीजिए, क्योंकि वीडियो आप लास्ट तक देखोगे तो आपको लगेगा ये वीडियो वाकई में बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो था। तो चलिए फ्रेंड्स अब बारी बारी से सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा आपका केरला, ठीक है, और जो सेकंड प्लेस पे रहा है आपका राजस्थान, और इसमें जो सबसे लास्ट में रहा है वो आपका रहा यूपी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आया है नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग के बारे में आपको बता दूँ, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। फ्रेंड्स जितने भी हमारे ओरल मैं इशू डिस्कस कर रहा हूँ, पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको राइट डाउन कर दीजिएगा क्योंकि इसको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथ ही साथ फ्रेंड जो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट इसके होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। साथ ही साथ इसके जो आपके वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार जी हैं, और जो सीईओ हैं वो आपके अमिताभ कांत हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स ये थे इंफॉर्मेटिव जानकारी। नेक्स्ट है आपका, किस देश ने सैफ अंडर 18 चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीता है? तो ये जीता है इंडिया ने। सैफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, और इसने जो हराया है वो बांग्लादेश को हराया है, ठीक है। तो ये थी क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री है यहाँ से, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा किसे प्रेसिडेंट कोर्स अवार्ड दिया गया है? तो ये आर्मी एयरफोर्स डिफेंस विंग्स को दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स एयरफोर्स को और राष्ट्रपति का नाम आता है, तो ये राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी हैं वो हमारे 14वें राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हमारे कौन से हैं 13वें, प्रधानमंत्री 15वें, ठीक है। ये तीनों चीज़ याद रख ले, कई बार रिपीट हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस कर लेंगे फ्रेंड्स, एयर डिफेंस का नाम है तो एयर चीफ मार्शल को डिस्कस कर लेंगे। हाल ही में इनकी नई नियुक्ति हुई है, तो ये हैं आपके RKS भदौरिया। फ्रेंड्स क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में अगर आपको पूरा डिटेल में इनका नाम दे दिया जाए तो आप फंस सकते हैं, इसलिए इनका पूरा नाम जानिए, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ठीक है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर फोर है यहाँ से, हाल ही में PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एक गवर्नमेंट वो है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, कुलदीप सिंह धतवालिया। नेक्स्ट है आपका, प्लास्टिक कचरे से तैयार देश का सबसे बड़ा चरखा किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अगर राज्य पूछता है तो आपका यूपी, और जगह पूछता है तो वो आपका हो जाएगा नोएडा। नोएडा का नाम आते ही बोटेनिकल गार्डन नाम याद आता है, तो बोटेनिकल गार्डन आपको याद रखना है। यूपी के नाम से दुधवा नेशनल पार्क जैसे चीज हमेशा पूछी जाती है। साथ ही साथ यहाँ के CM योगी आदित्यनाथ जी हैं, गवर्नर नई नियुक्ति हुई है तो आनंदीबेन पटेल, ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय पुरस्कार दिया गया? तो ये अजीब वेग आशुरू है, आगे मैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में डिस्कस कर लूंगा सारी चीजें। नेक्स्ट आपका, किसे इंग्लैंड की मैरिल बोन क्रिकेट क्लब का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये है कुमार संगकारा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स कि पहली बार किसी नॉन ब्रिटिश को क्या किया गया है, चुना गया है क्या,
अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, मेरिलबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में। अब कुमार संगकारा का नाम होता है तो आपको ये भी याद रखना है कि कुमार संगकारा किस कंट्री के हैं, तो ये हैं श्रीलंका। श्रीलंका की जो कैपिटल हो जाती है वो आपकी कोलंबो, और एक है जयवर्धनी पुरेकोट्टे, और जो इसकी करेंसी है वो है आपकी श्रीलंकाई रूपी। चलिए फ्रेंड आगे डिस्कस कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 को। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका, रेलवे स्वच्छता सम्मान 2019 का सबसे स्वच्छ स्टेशन दर्जा किसे मिला है? तो ये मिला है आपका जयपुर, जयपुर स्टेशन को सबसे स्वच्छ माना गया है, दर्जा मिला है। उपनगरीय रेलवे स्टेशन के बारे में पूछे तो आपका हो जाएगा अंधेरी विरार, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में जब आपका दिया है रेलवे, रेलवे के बारे में जैसे आता है तो दो चीज़ें हमारे दिमाग में तुरंत आनी चाहिए, एक चेयरमैन एक रेल मंत्री। चेयरमैन आपके इस टाइम रेलवे के जो है आपके वीके यादव, विनोद कुमार यादव हैं, और रेल मंत्री आपके कौन है? पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली कॉरपोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच में चलेगी या चली है, इसका फिलहाल हो चुका है वो उद्घाटन, ठीक है। तो लखनऊ से दिल्ली के बीच में चलेगी और इसका जो टाइम होगा 6:15 का 6:15 को होगा, ठीक है। अब इसके साथ में हमको वंदे भारत एक्सप्रेस का भी नाम आना चाहिए, याद आना चाहिए, जो वाराणसी से दिल्ली के बीच में चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्रेंड्स भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 19 का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, भारत मालदीव में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, कौन सा संस्करण था ये, और कहाँ पे, औंध स्टेशन, ये है आपका पुणे। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर जब जैसे ही आपका नाम होता है मालदीव का, भारत के बारे में लगभग सारी चीज़ें आप जानते हो, मालदीव का जैसे ही नाम होता है तो माले जो है इसकी कैपिटल है, करेंसी जो है मालदीव रुपया है, ठीक है, प्रेसिडेंट है, कई बार ये चर्चा में भी रिसेंट में रहा है, इब्राहिम मोहम्मद सोले, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका, चीन ने पृथ्वी की सतह का तस्वीर लेने के लिए किस नए उपग्रह को लॉन्च किया, क्या हमेशा से चर्चा में रहता है, चाहे वो उइगुर मुस्लिमों को कैद करने का, ढेर सारी चीज़ें हैं, और इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गाउफेन, और चाइना की कैपिटल बीजिंग, दो करेंसी यहाँ पे रिन में भी और युआन, ठीक है, तो ये आपको ये दोनों याद रखना है। चले, और जो इसके प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, आपको याद रखना है, ये लाइफ टाइम के लिए बन गया है, आप जब चाहें तो ये अपनी मर्जी से वहाँ से हटेंगे। देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो ये हैं आपके जितेंद्र कुमार मोहंती। अब ये डिस्कस कर रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रेंड्स, एग्जाम में अभी कई रिसेंट में जितने भी एग्जाम सब में क्वेश्चन में ज़्यादातर देखने को मिला कि हाल ही में ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसमें 5 डिप्टी CM, जी हाँ फ्रेंड 5 डिप्टी CM है, तो यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश ही राज्य है। साथ ही साथ जो इसके CM है वो जगमोहन रेड्डी हैं, और जो इनकी पार्टी है YSR कांग्रेस है, ठीक है, गवर्नर है अभी रिसेंट में इनको बदला गया है, ठीक है, वीडी मिश्रा की जगह पे विश्वभूषण हरिश्चंदन को किया गया, हरिश्चंदन को किया गया, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 8 अक्टूबर को एयरफोर्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये है आपका 87वां, ठीक है, 1932 में इसका क्या हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट ईयर हुआ था। नेक्स्ट है आपका एयरफोर्स के बारे में मैंने फाइनली सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बता नेवी चीफ और हमारे आर्मी चीफ के बारे में बता सकते हैं, उसका नाम मेंशन कर सकते हैं। हाल ही में हुए वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद या वैज्ञानिक खोज के बाद बृहस्पति को पीछे छोड़ते हुए कौन सा ग्रह सर्वाधिक चंद्रमा वाला ग्रह बना है, तो ये है आपका शनि, और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बृहस्पति के पास में क्या है आपका 17 है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, पूरे मैंने इसमें 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वर्ण परिषद जारी रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष स्वर्ण भंडारक देश कौन सा है, तो यह है USA, सेकेंड पे आपकी जर्मनी है, और आपकी फोर्थ प्लेस पे जो भारत का स्थान है वो आपका फोर्थ है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019, ठीक है, इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक कौन जारी कर सकता है, तो ये भी है आपका WEF। इसमें शीर्ष देश कौन सा है, तो ये है आपका स्पेन, और भारत का जो स्थान है वो है आपका 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासी मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये भारत का स्थान पहला है 1.75 करोड़, या अगर इसको मिलियन में पूछे तो 17.5 मिलियन, ठीक है, दोनों तरीके से आप आंसर इसको देख सकते हैं। तो अगर ये है आपका संयुक्त राष्ट्र के बारे में, तो मैं यहीं पे आपको डिस्कस कर देना चाहूँगा संयुक्त राष्ट्र के बारे में, आपका 24 अक्टूबर 1945 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, और एक
इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर हैं और 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं। फ्रेंड जैसे ही 5 परमानेंट के बारे में आता है तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन। अमेरिका, चाइना, फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन या यूके आप कह सकते हो, तो ये इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का स्थान 68th पहुंच गया है, ये 10 प्लेस पे डाउन हो चुका है, 10 प्लेस से नीचे आया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा कितने स्थान की गिरावट देखी गई, तो ये 10 स्थान की, सिंगापुर इसमें फर्स्ट पे। नेक्स्ट आपका C40 जलवायु शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होगा? तो ये कोपेनहेगन 9 से 12 अक्टूबर के बीच में होगा। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को पुनः पुर्तगाल का पीएम चुना गया है? तो ये है एंटोनियो कोस्टा। कौन है? एंटोनियो कोस्टा। पुर्तगाल का जैसे नाम आता है आपको सारी चीज़ें जान लीजिए। कैपिटल यहाँ की जो है लिस्बन है, करेंसी यूरो है, और जो प्रेसिडेंट है, यहाँ तो आपने पीएम का नाम सुना, प्रेसिडेंट जो है वो है मार्सेलो रबेलो डिसूजा। ठीक है, मार्सेलो रबेलो डिसूजा, इनका नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपका, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो वे 12th अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है, पक्षियों की रक्षा करें, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान करें। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए 31वां इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आपको चंडी प्रसाद भट्ट। ये नंबर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका, वर्ष 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है इथियोपिया के पीएम अबी अहमद। ठीक है, और स्क्रीन पे आप इस टाइम देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये पूरे नोबेल प्राइज़ हैं। ऑलरेडी मैंने इसको टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह पे पोस्ट कर चुका हूँ, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, या यहाँ से आपको कॉपी करके डाउनलोड कर सकते हैं। एक साथ लिखेंगे तो ढेर सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। इसमें फ्रेंड्स कुछ चीज़ें जैसे प्रधानमंत्री जी को जितने भी अवार्ड आउट ऑफ कंट्री मिले, फॉरेन कंट्री से मिले, वो ऑलरेडी मैं अपने कई सारी वीडियो में स्क्रीनशॉट के रूप में दे रखा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप के रूप में दे रखा हूँ, तो वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं। और जो भी एक्सरसाइज है, संयुक्त अन्य अभ्यास है, ढेर सारी हुई हैं, उसके ऊपर भी मैं पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक मिल जाएगी आपको। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, देखिए फ्रेंड्स प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, दोनों एक ही है, इसके लाभ के अंतर्गत कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा आपका गुजरात। सेकंड पे रहा आपका कौन? तमिलनाडु। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जो है वो आपका 10 करोड़ परिवार, बोले तो 50 करोड़ लोगों को प्रॉफिट किया, मतलब लाभ पहुंचाया जाएगा, और ये 5 लाख पर पेशेंट को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह डोनेशन दिया जाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या है? तो ये अभी रिसेंट में डाटा आया है आपका, 102 स्थान, और शीर्ष पे जो है वो बेलारूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को समग्र रूप से सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनी का नाम दिया गया है, तो या सम्मान दिया गया है, जो भी आप कह सकते हो, तो ये TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट है पुस्तक हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर। फ्रेंड्स इस पुस्तक का नाम काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसके इतना शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है, तो ये पब्लिश की गया बिलगेट्स के द्वारा, जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO। ठीक है, 2019 के जापानी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन है? तो ये है वाल्टेरी बोट्टास, जो कि मर्सिडीज ड्राइवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, तो भारत से 4 विरासत स्थल को अभी रिसेंट में, इस टाइप के जैसे क्वेश्चन होते हैं उनको ऑप्शन के थ्रू पूछा जाता है कि कौन सा नहीं है, तो फ्लोरा फाउंटेन मुंबई, कैने सेथे लियहू आराधनालय है वो मुंबई, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च ये भी मुंबई, और IIM से विक्रम साराभाई लाइब्रेरी अहमदाबाद। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो आपके 1 से लेके 15 अक्टूबर के बीच में है। दूसरा वीडियो जैसे ही आपके 30 अक्टूबर तक आ जाएगा वो मैं पूरा डिस्कस कर दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लगातार बने रहे। जैसे कि स्टार्टिंग में वीडियो में मैं बताया था फ्रेंड्स ट्यूबर ऑपरेटर जो रिजल्ट मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो ये यहाँ से देख लेते हैं फ्रेंड्स, अभी तो कोई भी बेटर अपडेट्स नहीं है, लेकिन क्योंकि सारे कर्मचारी लगभग छुट्टी पे जाने वाले हैं, जिनसे मेरी मतलब बातचीत होती थी, तो उनसे भी डिटेल्स में अभी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन ये है कि आपका 30 के पहले
30 के पहले ये पॉसिबिलिटी है आने की। लेकिन आपको मैं एक काम देता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने कम से कम 20 से 25 बार कॉल किया होगा, कॉल 2-3 दिन से लगातार नहीं लग रही, क्योंकि जब वहाँ के मेन कर्मचारी से ही पता चल पाया गया कि क्या हो रहा है। आपको एक काम करना, जो डिटेल्स है मैं अभी ये स्क्रीन पे नंबर जो शो कर रहा है, आप यहाँ से इस नंबर को, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, इस नंबर पर कॉल करके मतलब जब तक कॉल ना लगे तब तक कॉल कीजिए और सारी डिटेल्स आप निकालिए, आप खुद ही पता कर सकते हैं इस चीज़ को। जैसे अपडेट्स होती है मैं अपने आपके टेलीग्राम ग्रुप में और जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे उसको पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।